रॉक गार्डन, पहाड़ों के बीच से पानी का बहना अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा था, और ये नज़ारा हमें आकर्षित कर लिया, जो कि दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और पहुंच गया रॉक गार्डन देखने को लिए। दार्जिलिंग में अगर आप आए हैं तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं घूमने के लिए। देखिए यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट भी दिया हुआ, अगर आप थक गए हैं घूमते घूमते तो यहाँ पे विश्राम भी कर सकते हैं। फूल को नहीं तोड़ना है। क्या हुआ, देखिए घूम घूम करके ऊपर टॉप तक हम लोग को जाना है। हम तो जाएंगे। तो वंडरफुल नज़ारा, क्या नज़ारा देखने को है। मैं यहाँ से अगर नीचे दिखाने की कोशिश करूँ, और एटीएम सर है, क्या नज़ारा। गार्डन काफ़ी यूनिक लग रहा है और काफ़ी अद्भुत दृश्य के साथ लग रहा है, काफ़ी मस्त लग रहा है। रॉक गार्डन ताल चाहिए, दम फूल रहा है। थकान महसूस हो रहा है, काफ़ी 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 हाइट पे है, लगभग 5000 फीट की हाइट पे है, और नीचे से चढ़ने में थकान महसूस होता है। देखिए मैं कहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ दूर खड़ा है वहाँ से मैं आ रहा हूँ, और अभी ऊपर चढ़ना भी है। देखिए ऊपर चढ़ना, गार्डन के लास्ट मैं एंडिंग पॉइंट पे आ गया था, जहाँ तक हो सकता है पॉसिबल मैं वहाँ से आ गया था। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, और बोल सकते हैं कि रॉक गार्डन का पूरा एरिया मैंने कवर कर लिया। तो रॉक गार्डन भी काफ़ी अच्छा है, एक बार ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ जो नेचुरल आपको वाटर का फ्लो होता है ना, माउंटेंस से जो पानी नीचे गिरता है ना, उसका दृश्य ही देखने लायक है। काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अच्छा भी है, और आपको अच्छा फीलिंग आएगा। इसको बोरबटी रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, पहले इसको टूरिस्ट प्लेस के नाम से नहीं काउंट किया जाता था, लेकिन अब इसको टूरिस्ट प्लेस किया जा रहा है। अभी हम लोग टी गार्डन में आए हैं। देखिए ये जो दिख रहा होगा नीचे, ये टी है। तोड़ना मना है तो मना है, तो क्यों तोड़े। बाकी नज़ारा काफ़ी अद्भुत है, काफ़ी यूनिक, काफ़ी कुछ मज़ा आ रहा है, काफ़ी साइट फीजे। तो टी गार्डन के बारे में थोड़ा सा दिखाऊं, मैं बैक कैमरा से दिखाता हूं। एक बार आके प्रकृति का लुत्फ उठाना चाहिए। क्या सांग सर, बिल्कुल आना चाहिए हर किसी को। जबरदस्त फीलिंग, पूरे दिन बिल्कुल मज़ा किए हम लोग, पूरे दिन आज हम लोग इंजॉय किए हैं जबरदस्त। चाय का बागान, एक ऐसा बागान जिसके बारे में बहुत सारे लोग अपरिचित हैं, उनको आइडिया नहीं है कि चाय के पौधा कैसा होता है, चाय का पेड़ कैसा होता है। लेकिन एक ऐसा चीज़ है चाय, जो भारत में हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां दिन और रात कभी ना कभी एक टाइम तो ज़रूर बनते होंगे। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत वाला समझता हूँ, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला चाय के बागान देखने का, उस पे से भी इंडिया के सबसे कॉस्टलीस्ट चाय के बागान देखने का मौका मिला। जैसा कि मेरा कैब ड्राइवर बता रहा था कि दार्जिलिंग का चाय भारत में सबसे महंगा चाय में से एक है। यहाँ की हाईएस्ट कॉस्ट का जो चाय का कीमत है वह अप्रोक्स 1,20,000 रुपीज़ केजी है, जो कि फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट हो जाते हैं। इंडिया में जितना भी चाय की सप्लाई होती है वो ज़्यादातर चाय आसाम की होती है, और दार्जिलिंग का चाय ज़्यादातर एक्सपोर्ट हो जाता है फॉरेन कंट्रियों में। जो लोग दार्जिलिंग घूमने आते हैं वहीं दार्जिलिंग चाय का मज़ा ले पाते हैं। तो ये चाय के बागान देखने के बाद
हमें रियल में पता चल रहा था कि अच्छा चाय पत्ती ऐसा बनता है, चाय पत्ती इस पेड़ से बनाया जाता है, इस पौधे से बनाया जाता है। हम लोग बतासिया लूप में आए हैं और यहाँ के कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली ये जाना जाता है ट्रेन ट्रैक के लिए, अपहिल ट्रैक के लिए जाना जाता है। ट्रैक काफ़ी घुमावदार ट्रैक है और उस ट्रैक के लिए ये काफ़ी अच्छा जाना जाता है। चलिए, ये आपको बतासिया लूप में हम लोग आए हैं अभी और काफ़ी ठंड है। अभी ठंड का फीलिंग हो रहा है, क्या फीलिंग हो रहा है ठंड का? ज़बरदस्त, आपको देख रहे होंगे इन लोग की एक्टिविटी देख के आइडिया लग रहा होगा कि ठंड कितना ज़्यादा है। ये बेसिकली ये फेमस है घुमावदार, यहाँ जो ट्रैक बनाया गया ना इसके लिए बेसिकली ये फेमस है बतासिया लूप के नाम से। ओ ट्रेन आ रही है, देखिए ट्रेन आ रही है। ट्रेन का आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखिए ट्रेन का नज़ारा काफ़ी तगड़ा है। देखिए आप लोग, लकली थे मैं कि ट्रेन यहाँ पे आते हुए देख रही है। देखिए ट्रेन से विजिट करना, ये देखिए ये सीटें, अच्छा यहाँ स्टॉपेज भी है यहाँ पे। देखिए ट्रेन यहाँ पे आई है और रुकी है और हम लोग लकली हैं कि ट्रेन को देख पा रहे हैं। और चलिए अब थोड़ा सा अभी दिखाते हैं ट्रेन को पूरा। अभी ट्रेन यहाँ पे रुकी है बतासिया लूप पे, यहाँ स्टॉपेज है ट्रेन का, इसीलिए यहाँ पे रुकी है। बतासिया लूप, थोड़ा इवनिंग का टाइम हो गया इस वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ फ्लावर्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। और बेसिकली जैसा मैंने बताया कि ट्रैक के लिए, ट्रेन में ट्रैक के लिए यहाँ देखा जाता है। लगभग 10 मिनट का स्टॉपेज होता है ट्रेन का यहाँ पे। देखिए ट्रेन यहाँ से खुलने वाली है, जस्ट अभी सिग्नल दे रहा है। रोल ऑफ ऑनर लाइट कम के वजह से नहीं दिख रहा, जस्ट ट्रेन खुली है। मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से ट्रेन खुली है और ये चाय ट्रेन के नाम से जाना जाता है। ये ट्रेन का अलग ही एंजॉयमेंट है, एक अलग ही मज़ा है। हिमालय जूलॉजिकल पार्क भी इधर है और हिमालय माउंटेनरी इंस्टीट्यूट भी इधर ही है। चलते हैं, इधर मास्क और सैनिटाइजर का यूज हो रहा, चेक हो रहा, देखते हैं दोनों इसमें है। जू भी साथ में है और इंस्टीट्यूट भी साथ में है, दोनों देखने का मज़ा ही अलग होगा। टिकट सार कंट्रीज 60 रुपीज, फॉरेनर 100 रुपीज, जू माई नेचर माई 60 रुपये टिकट का चार्ज, कैमरा का 10 रुपया अलग से लेता है। थर्सडे को क्लोज, यहाँ से देखिए नीचे का जू में इंटर कर चुके हैं। देखिए एक मैप आपको दिखा रहा होगा जूलॉजिकल पार्क का, सारा इससे आइडिया लग जाएगा कहाँ कहाँ करना है। टू डू लिस्ट और नॉट टू डू, डू नॉट टीच एनिमल्स, डू नॉट थ्रो एनीथिंग इन क्लोजर, एनिमल को खाना नहीं पिलाना है, स्मोकिंग नहीं करना है, बुला बुला चीज़। यहाँ कुछ स्टॉल्स है, स्टॉल से आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं अगर खरीदना चाहे तो। लोकल ड्रेस फोटोग्राफी डन हेयर, अच्छा यहाँ लोकल ड्रेस में फोटोग्राफी करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। नेसेसरी मोनल शॉपिंग, देखिए यहाँ से भी आपको दिखा रहा होगा कि ब्लैक बियर, यूरोपियन वुल्फ, टाइगर, HMI इधर है, रेड पांडा थिएटर्स, लेजर। चलिए मैं पहले लेफ्ट साइड की तरफ चलूँगा फिर राइट साइड की तरफ। बिल्कुल, तो अभी हम लोग दार्जिलिंग के जू में आ गए और चल रहे। अभी तक कैसा रहा आज का दिन?
काफी जबरदस्त रात जू में घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक जानवर तो दिख नहीं रहे, इंसान ही दिख रहे हैं। चलिए जानवर को एक्सप्लोर करते हैं। क्या कुछ देर रुकेंगे राकेश सर, उसके बाद चले क्या? चलिए तो अभी जू को एक्सप्लोर करते हैं जो कि दार्जिलिंग में है। बाकी देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलता, मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप जब यहाँ विजिट करने आए तो आपको काफ़ी सहूलियत हो, काफ़ी कुछ अवेयर हो जाए कि इसके अंदर क्या 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 चीज़ें हैं। ओके देखिए आपको दिख रहा है क्या? चलिए मैं बैक कैमरा से दिखाने का कोशिश करता हूँ। डिटेल्स में बताया हुआ है संभल डियर, इसके अंदर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ। चलिए ये अभी एक ही है फिलहाल, ब्लू सीप। ये ब्लू सीप है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्लू सीप के बारे में दिखाऊं तो वहां आपको दिख रहा होगा। कलर में तो ब्लू लग नहीं रहा, पता नहीं कैसे नाम ब्लू सीप दिया गया। चलिए इसके बारे में दिखाऊं तो वहां आपको देखिए यहां पे दिख रहा होगा आपको। चलिए ये देखिए यहाँ पे एक है, क्या है मैं आगे बताऊंगा कि इसका क्या नाम है आगे चल के। ये देखिए बेचारे काफ़ी कम क्वांटिटी में अगर टूरिस्ट पर्पज से ही रखा गया लगता है। ये देखिए बार्किंग डियर है, बाकी इसके बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है, मैं नीचे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी तगड़ा लग रहा है। और यहाँ का पेड़ का नज़ारा, ट्रीज का नज़ारा तो देखते हैं। पेड़ पौधे आपको मैं दिखाऊं, एक चीज है यहाँ अपने प्यार करने वाले को नाम लीजिए इको होगा। वाले माउंटेनरी इंस्टीट्यूट के पास आ गए हैं, देखिए इधर दिख रहा होगा क्या क्या चीज है, बाकी इधर पीछे दिख रहा होगा। चलते एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीज देखने की चीजें। तो चलिए चले अंदर, चल देखते हैं क्या क्या चीजें हैं दार्जिलिंग का। मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़ें क्या चीज़। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यहाँ एक इधर किधर क्या है। चलते हैं इधर, किधर चले? इधर किधर? रॉक वॉल है। अच्छा इंडोर आप रॉक वॉल है, रॉक वॉल पे अभी इग्नोर करने का, रॉक वॉल नहीं। चलिए इधर चलते हैं, तो इधर देखते हैं। इधर तो बाकी कुछ नहीं है ना, चलिए कुछ फोटो खिंचा रहा है, देखते हैं क्या है इधर। मे क्लाइम फ्रॉम पीक टू पीक, देखते हैं इधर क्या है, थोड़ा सा इधर का नज़ारा ले लेते हैं। हिमालय पर्वतरोहण संस्थान, अच्छा कितना सुंदर लग रहा है ना, मतलब दार्जिलिंग में ये क्या है आपको, जयाल भवन। हाँ काफ़ी ये सुंदर बनाया हुआ है, काफ़ी साफ़ सफाई रखा गया। बाकी चलते हैं, इधर तो बैन है लगता है, उधर आओ चढ़ के देखें। म्यूजियम, म्यूजियम के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, 1957 में म्यूजियम स्टैब्लिश हुआ है। ये आपका एंट्रेंस गेट है भाई, अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं होती। इसका सेक्शन है ये नीचे जो मैं कवर कर रहा हूँ, देखिए इधर म्यूजियम है, जो म्यूजियम में फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसीलिए म्यूजियम को मैं कवर नहीं किया। फोटोग्राफी से मैं देखा हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें उसमें देखने लगी, जैसा कि मैं बताया, तो एक बार आके जरूर देखिएगा। चलते हैं अब मैं बाकी का वेस्ट पार्ट कवर करता हूँ दार्जिलिंग का, आप भी जरूर आइएगा कवर कीजिएगा। ये कितना सुंदर लग रहा है ना, अभी नीचे ही लगाया हुआ है। वाह व्हाट अ नाइस, ये पक्षी आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। दैट वन सेक्शन कवर किए हैं, अब थोड़ा सा चलते हैं थोड़ा म्यूजियम की तरफ। ये दूसरा म्यूजियम है, लाल नेचर हिस्ट्री म्यूजियम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या चीज़, फोटोग्राफी नॉट अलाउड, सॉरी इसके अंदर भी फोटोग्राफी हम नहीं कर सकते हैं, तो अंदर से चीज़ों को मैं मेमोरी में कैप्चर करके बाहर में दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसके अंदर है। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं दिखाऊंगा आपको भी क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। म्यूजियम कवर किया हूँ, पीछे दिख रहा होगा इसका गेट,
अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, इस वजह से मैं अंदर की चीज़ों का फ़ोटो नहीं ले पाया। लेकिन बाकी नेचर से रिलेटेड काफ़ी यूनिक चीज़ें यहाँ दिखाया गया, किस तरह का बर्ड होता है पूरे ये तो कवर नहीं कर सके, लेकिन मैक्सिमम इन्होंने कवर किया। टाइगर के खाल को दिखाया गया, बाकी कुछ धान को गेहूँ को किस तरह के कीड़े नुकसान करते हैं ये सारे चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया। ये काफ़ी अच्छा म्यूजियम है, जो नेचर लवर है खासकर प्रकृति से प्यार है आपको, एक बार ज़रूर आइएगा। जब दार्जिलिंग आइएगा, जू विजिट करिएगा, तो ये भी म्यूजियम को आप कवर कीजिएगा। बंगाल टाइगर है, काफ़ी डेंजरस माना जाता है। देखिए अभी सो रहा है, अगर ये जगह ना तो फिर चैन की नींद नहीं सोने देगा सबको। ये कुछ कुछ सेक्शन है जो मैं रैपिड फायर राउंड में कवर कर रहा हूँ। देखिए मुर्गा, देखिए मंकीज, ये देखिए तरह तरह के, इसमें इसमें अंदर होगा अभी घर में। ये देखिए एशियन पाम शिवर्ट, ये देखिए इधर बेचारा सो रहा है। और भी कुछ कुछ है, ये जू वाले सेक्शन को यहीं पे करते हैं समाप्त। और जू में काफी चीज नया देखने का था। आपको क्या अच्छा लगा? सब चीज लगा, म्यूजियम में भी गए, सब कुछ देख लिए, बाकी जो भी देखना था, टाइगर था, बंगाल टाइगर, बहुत सारे सो काफ़ी चीज़ें देखने वाला। म्यूजियम को कभी मिस मत करिएगा, अगर दार्जिलिंग आ रहे हैं, जू आ रहे हैं, तो म्यूजियम को मिस मत कीजिएगा। तो आज के जू वाला पार्ट को मैं यहीं पे करता हूँ क्लोज, मिलता हूँ किसी नए साइट में, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो राइट नाउ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन जरूर दबाइए। बाय बाय, टेक केयर।